लर्निंग विद अ डिफरेंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 1 फरवरी की स्कूल प्रार्थना सभा के लिए हिंदी समाचार। राष्ट्रीय समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट सत्र से पहले कहा, सरकार ने राम मंदिर बनाकर सदियों का इंतजार खत्म किया। प्रधानमंत्री ने दी हुड़दंग करने वाले सांसदों को आत्मनिरीक्षण करने की सलाह। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी, ऑरेंज अलर्ट दिल्ली में, 13 साल में सबसे ज्यादा ठंड। दूरसंचार विभाग ने क्वांटम के लिए लॉन्च किया 5G पोर्टल, IPR और 6G शोध में भी मिलेगी मदद। देश में 718 हिम तेंदुए, अकेले लद्दाख में 477, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने जारी की रिपोर्ट। चंपई सोरेन विधायक दल के नेता चुने गए, चंपई सोरेन होंगे झारखंड के नए CM। अरविंद केजरीवाल को ED ने भेजा 5वां समन, 2 फरवरी को पेश होने को कहा। IIMC को मिला डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया ऐलान। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान और उनकी पत्नी को भ्रष्टाचार केस में 14 साल की सजा सुनाई गई। मालदीव के महाधिवक्ता हुसैन शमीम पर बीच सड़क पर हमला, हालत स्थिर। H-1B वीजा में धोखाधड़ी रोकने को प्रणाली में बदलाव करेगा अमेरिका। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकन प्रक्रिया संपन्न। सुल्तान इब्राहिम मलेशिया के 17वें राजा बने, राष्ट्रीय महल के समारोह में पद के लिए थी शपथ। खेल संबंधित समाचार। जय शाह ACC के चेयरमैन बने रहेंगे, 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया। ICC टेस्ट रैंकिंग, ओली पॉप को 20 स्थान का फायदा, टॉप 10 में कोहली इकलौते भारतीय बल्लेबाज, अश्विन नंबर 1 बॉलर। सेलर सरवनन लगातार दूसरी बार ओलंपिक के लिए क्वालिफाई, वर्ल्ड चैंपियनशिप ने हासिल किया कोटा। क्रिकेटर शिपाली वर्मा की T20 रैंकिंग सुधरी, विश्व की टॉप 16 महिला बल्लेबाजों में शुमार हुई। बिजनेस संबंधित समाचार। 2024-25 में भारत की विकास दर 6.5% रहने का अनुमान IMF। 10 साल में 10वें से 5वें स्थान पर इकोनॉमी, राष्ट्रपति बोली, IT रिटर्न भरने वाले 8.25 करोड़ हुए। 2023 के दौरान भारत में 3% घटी सोने की मांग। और RBI का PTM पेमेंट बैंक पर एक्शन, 29 फरवरी के बाद वॉलेट में नहीं डाल पाएगी पैसे। सरकार ने जनवरी 2024 में GST से 1.72 लाख करोड़ जुटाए। समाचार में बस इतना ही, धन्यवाद।